दोस्तों नमस्कार। बहुत से प्रतियोगी छात्र मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि सर हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हम परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इस संबंध में मेरी कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करने का मन कर रहा है। देखो पूर्वज कहते हैं कि एक तो घोकत विद्या हर खोदत पानी, यानी आप जितनी विद्या को याद करोगे, रिकॉल करोगे, रिमेम्बर करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, और पानी जितना गहराई के अंदर जाओगे उतना ही पानी निकलेगा। तो मान करके चलिए पानी अगर गहरा है तो कुआं ज़्यादा खोदना पड़ेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। पहरे और बढ़ा दो, मेहनत को और मजबूत कर दो, दुनिया से किनारा कर लो, पढ़ाई जो है लक्ष्य पे जो दृष्टि है वो ज़्यादा एक केंद्रित कर दो। अब दोस्तों बात यह है कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। दोस्तों देखो नंबर एक तो चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एक बात तो क्लियर है कि लड़के जो है अमेरिका, जर्मनी, जापान से आयात नहीं किए जाते, वो आप और हमारे बीच से ही सेलेक्ट होते हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है, हम पढ़ते बहुत हैं। पढ़ना और सही रणनीति के पाठ साथ पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक कैंडिडेट है उसकी पॉलिटी बहुत अच्छी तो पॉलिटी पॉलिटी के अंदर लगा रहता है, बिल्कुल। मान लो किसी की साइंस अच्छी तो साइंस के अंदर लगा रहता है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका संतुलित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस का कोई भी जो पार्ट है उसको इग्नोर ना करें, पहली बात। दूसरी चीज जो हार्ड चीजें होती है, जैसे राजस्थान आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपको पढ़नी चाहिए। और विशेष रूप से मैं आरएस की बात करूं तो आपको पता होना ही चाहिए। अब लोग कहते हैं सब आर्थिक समीक्षा को याद होती है, तो आर्थिक समीक्षा क्यों याद नहीं होगी भाई, आर्थिक समीक्षा को याद करने में दिक्कत है। आज पढ़ी है ना, फिर वापस उसका रिवीजन किया है ना, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक वो मिला लिए, यूट्यूब पे वीडियो सुन लिया, परमानेंट बैठ जाएगा, परमानेंट बैठ जाएगा। पहले दिन के अंदर दिक्कत आएगी, बाद में फटाफट साहब प्रति व्यक्ति आई है, स्तर मूल्यों पर यह है, चालू मूल्यों पर यह है, राजस्थान के अंतर्गत इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतने जिला उद्योग के अंदर है, वर्तमान में ये कृषि का उत्पादन हुआ, ये रबी फसल का उत्पादन हुआ, ये खरीफ का उत्पादन हुआ, आंकड़े अपने आप आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है बार बार पढ़ना पड़ेगा, उनका रिवीजन करना पड़ेगा, और सफलता तभी मिलती है दोस्तों जब सिलेबस का एक एक पॉइंट याद हो और किताबें किनारे कर दे और आप इस स्थिति के अंदर पहुंच जाओ जब आप ये कहो कि मुझसे तो कुछ भी पूछो मुझे याद है। वो स्थिति होती है जब आपका चयन होता है। तो अगर चयन नहीं हो रहा है तो बाकी जो नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़ो, खुद का मूल्यांकन करो और पहचानो कि कौन से सिलेबस के जो पॉइंट है वो कमज़ोर है, मुझे उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आरएस की बात करूँ तो आरएस के अंदर पिछले सालों के पेपर देखो, प्रीलिम्स के पेपर देखो, मेंस के पेपर देखो, और अगर मेंस दे रहे हो और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो उत्तर पुस्तिका जो आपने दी उनका मूल्यांकन करो, मित्र लोगों से करो कि भाई मेरे उत्तर के अंदर। आदमी खुद का मूल्यांकन कभी भी सही नहीं कर सकता, औरों से मूल्यांकन कराओगे ना तो वो ज्यादा अच्छा मूल्यांकन करेंगे। तो औरों से जो साथी लोग हैं, कोई विद्वान जन है आपके संगत में, कोई टीचर है, तो उससे पूछो है ना, और बताओ कि साहब कमी कहाँ पे रह गई है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई सबोर्डिनेट बोर्ड का एग्जाम हो, आप सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के पेपर देखो, मित्र मंडली बनाओ, अच्छे ग्रुप का चयन करो और देखो कि बाकी लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी तैयारी में आपकी तैयारी के अंदर कमी क्या है। और रोम एक दिन में नहीं बनाता ये मान करके चले हो, लगे रहो। सफलता नहीं मिल रही है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, है ना। बंजर यहाँ जमीन हुई है तो पानी यहीं निकलेगा ये मानते हुए, और मैं हमेशा कहता हूं कि अंधेरे से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू सारा अंधेरा हर लेता है। तो निश्चित रूप से घनघोर अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, सुबह होकर के रहती है, तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस कंटिन्यूटी के साथ में, उचित रणनीति के साथ में, पिछले सालों के पेपर को देखते हुए उस हिसाब से तैयारी करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।